even get some calls. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। स्वागत है आप सभी का टेली टॉक सीरीज में, जिसमें हम तेज तेज अपडेट्स और न्यूज़ देते हैं, कुछ मेजर न्यूज़ जो कि अलग अलग चैनल्स के अलग अलग शोज में से होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइज, पहली खबर मैं देता हूँ आपको TRP की, वीक 20 की TRP जो कि है रीसेंट हफ्ते की TRP। पहले तो वो इंडिया के टॉप 5 शोज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस हफ्ते TRP जिनकी सबसे ज़्यादा हाई आई है। तो नंबर 5 पे है दंगल TV के बाबा एस ओवर ढूंढो। नंबर 4 पे है स्टार प्लस के देवों के देव महादेव। नंबर 3 पे है DD भारती के विष्णु पूरन। और नंबर 2 पे है स्टार प्लस की रामायण, जो कि पहले DD नेशनल पे आया करती थी और जिसने बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था और काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इंडिया में TRP के, वो नंबर 2 पे है। और नंबर 1 पे है लास्टली DD नेशनल के श्री कृष्णा। तो गाइज़, ये थे टॉप 5 शोज़। सारे ही शोज़ पुराने वाले शोज़ के जो रीरन हैं, बहुत पुराने वाले शोज़ वही हैं। तो गाइज़, ये तो थे वीक 20 के टॉप 5 शोज़ TRP को लेके। अब टॉप 10 चैनल्स की बात कर लेते हैं जो कि इस हफ्ते टॉप 10 मोस्ट व्यूअरशिप, यानी कि मोस्ट हाईएस्ट TRP के साथ जो टॉप 10 चैनल्स हैं उनको उनकी पोजीशन वाइज जान लेते हैं रैंकिंग वाइज। तो गाइज़, नंबर 10 पे है स्टार भारत टॉप 10 की लिस्ट में। नंबर 9 पे है सोनी पल, जिसपे सब TV, सोनी TV वगैरह, सोनी के नेटवर्क के पुराने शोज़ दिखाए जाते हैं, और स्टार उत्सव जो कि 10 पे, उस पर स्टार के पुराने शोज़ दिखाए जाते हैं। तो ये हैं 10th और 9th पोजीशंस। नंबर 8 पे है बिग मैजिक और नंबर 7 पे है DD नेशनल। DD नेशनल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, यानी कि आप जानते ही थे नंबर 1 पे आ रहा था इतने हफ्तों से रामायण वगैरह करके, अब नीचे गिर गया है। स्टार प्लस ने जो रामायण अब स्टार प्लस पे चल रही है, तो स्टार प्लस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। तो यस, नंबर 7 पर गिर गया है DD नेशनल। तो गाइस, नंबर 10 पे स्टार भारत था, मैंने गलती से शायद उत्सव बोल दिया। नंबर 6 पे है स्टार उत्सव, जिसपे पुराने शोज़ आया करते हैं स्टार के। नंबर 5 पे है दंगल TV और नंबर 4 पे है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। तो अब बारी आ गई है टॉप 3 चैनल्स को जानने की, जो कि इस हफ्ते वीक 20 में टॉप 3 पे हैं। तो नंबर 3 पे है कलर्स TV, नंबर 2 पे है सब TV, पहले की जो नंबर 1 पे चल रहा था काफ़ी हफ्तों से, अब नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे है स्टार प्लस। स्टार प्लस ने काफ़ी ज़्यादा TRP में इम्प्रूव किया है और फिर से नंबर 1 पे रहने लग गया है, और पिछले काफ़ी कंसिस्टेंट हो गया है स्टार प्लस, और नंबर 1 पे स्टार प्लस है। तो गाइस, यही थे टॉप 10 चैनल्स। तो TRP की बात ख़त्म करते हैं, अब चलते हैं बिग बॉस की बात पे। यस गाइस, बिग बॉस सीज़न 14 जो कि आएगा इसी साल आएगा, 2021 में आएगा शायद, अब लॉकडाउन वगैरह के उसको देख के कह रहा हूँ मैं। तो उसकी कास्टिंग वगैरह जो कि जो वो चाहते होते हैं कि किसको लें, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं कि डिसीजंस किसको लें, कौन से एक्टर को लें। तो सुरभि ज्योति को अप्रोच किया गया है बिग बॉस के सीज़न 14 के लिए, जो कि स्टार्ट करने की वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कलर्स TV वाले, क्योंकि लास्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा TRP लाई थी लास्ट सीज़न बिग बॉस के ने। तो ऐसी खबरें हैं कि सुरभि ज्योति को अप्रोच किया है बिग बॉस वालों ने, या हालांकि अभी उनका कोई जवाब नहीं पता है, उन्होंने यस किया है या नो किया है ऐसा कुछ पता नहीं है। गाइस, जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको नागिन 4-5 की खबरें दी ही थी, मैंने बताया था आपको कि नागिन 4 ऑफ एयर हो जाएगा, लेकिन उसके आखिरी एपिसोड शूट करे जाएंगे और फिर सीज़न 5 लाया जाएगा। तो ये मैंने आपको खबर ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, और बट अब एकता कपूर ने ऑफिशियली वीडियो पोस्ट करके बता दिया है कि जो मैंने खबर डाली थी गाइस यही चीज़ है कि नागिन 4 का वो प्रॉपर एंडिंग करेंगे, लॉकडाउन के बाद शूट करेंगे, जितने भी एपिसोड में स्टोरी ख़त्म होती है उसको प्रॉपरली एंड करके फिर एकदम से सीज़न 5 की तैयारी पर लग जाएंगे। तो गाइस, अगली खबर आ रही है हमारी प्रेक्षा मेहता की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड और सैड न्यूज़ है। और प्रेक्षा मेहता ने काफ़ी शोज़ में काम किया है, जैसे कि सोनी TV के क्राइम पेट्रोल और लाल इश्क, मेरी दुर्गा वगैरह जैसे शोज़ में उन्होंने काम किया है। बट एक रीसेंट खबर ये है कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। यस गाइस, इंदौर में उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, और अगले दिन ये इतनी उदासी वाली खबर उनकी फैमिली को अगले दिन पता लगी, जब भी हॉस्पिटल पर रश किया गया उनको लेके, तब तक वो ऑलरेडी जान दे चुकी थी, वो अपने सीलिंग के से लटक कर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी और उन्हें अपने काम वगैरह का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, और ऊपर से ये लॉकडाउन वगैरह के कारण वो अभी उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी इस चीज़ करके कि लॉकडाउन के बाद उनको काम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा।
तो यही सब स्ट्रेस के कारण गाइज, एक और लॉकडाउन के लॉकडाउन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट था उनके सुसाइड करने के पीछे। एक और बुरी खबर आती है गाइज हमारे पास, फिर से एक एक एक्टर ने फिर से सुसाइड कर लिया। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, और इंस्टाग्राम पर उन्होंने आखिरी एक मैसेज भी डाला था कि काफ़ी बुरा लगता है जब आप सपने पूरे ना कर पाएँ, ऐसा उन्होंने लिखा था इंस्टाग्राम पर। तो ये उनका आखिरी मैसेज था, परीक्षा मेहता रेस्ट इन पीस। तो गाइस अगली खबर आ रही है सोनी टीवी के श्री गणेश सीरियल की तरफ से, जो कि एक माइथोलॉजिकल सीरियल था, आपको पता ही होगा। श्री गणेश एयर होगा अब स्टार प्लस पे, यानी कि रीरन होगा पुराने एपिसोड्स ही लॉकडाउन के कारण। जो कि शो सोनी टीवी के था वो अब स्टार प्लस पे आएगा 2 जून से, मंडे टू सैटरडे शाम 6 बजे आया करेगा। तो गाइस अगर आप इस शो के फ़ैन हैं तो ज़रूर देख सकते हैं, 2 जून से शो लौट रहा है, लेकिन स्टार सोनी टीवी पर नहीं, स्टार प्लस पे आया करेगा। तो बस गाइस यही थी कुछ न्यूज़ क्विक अपडेट्स जो कि मैं आपको देना चाहता था इस टेली टॉक्स के एपिसोड के ज़रिए। तो गाइस ये गेम प्ले वगैरह का वीडियो मैंने पीछे इसलिए लगाया क्योंकि ये कोई क्विक न्यूज़ होती है, इसमें मैं इस करके इसके पीछे लगाया। वैसे आप कल से रेगुलर वीडियोस जो आएंगी एक एक टॉपिक पे, तो उस पर आपको नॉर्मल वीडियो ही दिखेगा, ये गेम प्ले वाला सिर्फ इस सीरीज़ के लिए है जो कि टेली टॉक्स सीरीज़ है। तो आपको इस सीरीज़ के द्वारा मैं तेज़ तेज़ खबरें दे सकता हूँ काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवर भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं काफ़ी चैनल से, जो कि मैं रिपोर्ट करूँगा जल्दी, कल से रिपोर्ट करूँगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ चाहिए होते हैं, और टीवी शोज़ के हर टीवी चैनल के हर टीवी शोज़ की मेन मेन खबरें, या फिर कौन सा शो नया आ रहा है, कौन सा शो ऑफर हो रहा है, हम सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सबसे पहले हम देते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए हो, और कमेंट और शेयर ज़रूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए मैं चलता हूँ, गुड बाय।